के जो टैटूज है ये हम रिमूव कराने वाले हैं। बॉम्बे जाते ही भाई मेरा जो ट्रीटमेंट है वो उसका स्टार्ट हो जाएगा, तो उमरा पे जाने वाला हूँ। तो सितंबर या अक्टूबर में इंशाल्लाह गाइस हम उमरा पे जाएंगे भाई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? स्वागत है मोमेंटो के साथ। तो अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिटरली कुछ ही सेकंड लगेगा यार। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रही है आमिर मजीद की साइड से। आपको पता होगा आमिर मजीद एंड आर्यन ब्लॉग के बीच में तगड़ी वाला फाइट हो गया था, अभी उन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। बट रिसेंटली आमिर मजीद की साइड से एक ब्लॉग आउट हुआ जहाँ पर उन्होंने इनडायरेक्टली इस मैटर के ऊपर बात करते हुए कुछ ऐसा कहा। आप सबसे पहले वो क्लिप देखो। अभी हम आरसी कार्ड लेने के लिए आए थे, पुलिस स्टेशन में थे हम, ट्रक की कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है भाई। तो भाई ये कोई नई चीज नहीं है मेरे लिए, ये सब होता रहता है भाई। हाथ पे भी हल्की सी लगी है और हल्के से ना मेरे हेड पे फोरहेड पे हल्की सी चोट लगी है भाई। लास्ट टाइम मेरे को स्टिचेस लगे थे ना सेम वहीं पे लगे। 700K सब्सक्राइबर्स अभी हमारे कंप्लीट हुए थे, चारों तरफ शीशे। ऑल्सो गाइस आपको तो पता होगा आर्मन राइडर और आमिर मजीद के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। बेसिकली आर्मन राइडर ने आमिर मजीद के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि वो इल्यूमिनाटी ज्वाइन किया है, एंड आमिर मजीद काफी दिनों से बोल रहे थे कि वो अपने बॉडी से टैटू रिमूव कर देगा। फाइनली उन्होंने इसके ऊपर बात किया और वो उमरा भी करने वाले हैं ऐसा उन्होंने कहा। आप सबसे पहले वो क्लिप देखो। प्रॉमिस किया था भाई कि ये जो टैटूज है ये हम रिमूव कराने वाले हैं। बॉम्बे जाते ही भाई मेरा जो ट्रीटमेंट है वो इसका स्टार्ट हो जाएगा, तो उमरा पे जाने वाला हूँ। तो सितंबर या अक्टूबर में इंशाल्लाह गाइस हम उमरा पे जाएंगे भाई, है ना, सही हो जाएगा भाई सारी चीजें। सो गाइस अगर ये इल्यूमिनाटी होते तो उमरा करने की बात ना करते। तो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है आर्मन राइडर की साइड से। सो गाइस आपको बताओ आमिर मजीद के पास एक 2.7 मिलियन वाला चैनल था जो की अभी डिलीट हो चुका है। बट रिसेंटली आर्मन राइडर ने एक इंटरव्यू में कहा की वो चैनल अभी आमिर मजीद के पास ही है। आप सबसे पहले वो क्लिप देखो। वो 23 लाख है कि 27 लाख जो हुए थे ना, जो कह रहे थे कि भाई डिलीट हो गया। हाँ डिलीट हो गया, वो डिलीट नहीं हुआ है अभी भी है। तो ये बंदा ना मतलब सबको जो इस जो ये है ना रियल जो है, इसके साथ बंदा जब रियल बैठेगा ना तो बंदे को पता चल जाएगा ये बंदा है क्या। आमिर माजिद करके जितनी मैंने अभी तक वीडियो डाली है जिसके भी खिलाफ कुछ भी बोला है, तो भाई जितने भी भाइयों के खिलाफ बोला है सबसे पहले तो उनको मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है ना। इस कटिया जैसे शैतान बंदे के पीछे मैंने सब कुछ किया। तो लास्ट अपडेट निकल के आ रही है इल्बेस यादव की साइड से। तो आपको पता होगा बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 स्टार्ट होने वाले हैं और इल्बेस यादव के दोस्त कटारिया जो है बिग बॉस में जाने वाले हैं ऐसा हिंट देते हुए उन्होंने कुछ ऐसा कहा। आप सबसे पहले क्लिप देखो। पूछे थे कि भाई इतने दिन से 2 दिन हो गए व्लॉग क्यों नहीं आए और आज 12 बजे आएगा नहीं आएगा, आज 12 बजे व्लॉग नहीं आएगा, आज रात को व्लॉग आएगा बहुत ही मस्त वाला आएगा, आज के बाद से रोज आएंगे, मतलब आ जाएगा बट रात को आएगा और कल परसों रोज रोज बहुत तगड़ा मजा आने वाला। एंड रिसेंटली वो ब्लॉग भी आ चुका है, आप जाके देख सकते हो। तो आज मेरे पास इतना ही अपडेट था। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।